और गाड़ी लेकर तो आए हैं सिविक, लेकिन ऐसी गाड़ी लेकर आया है जो दूसरी पीस नहीं होगी। भैया कितनी चली हुई है ये गाड़ी विद सर्विस रिकॉर्ड? टाटा भैया टिगोर, टाटा की टिगोर XM वेरिएंट है 2020 का BS6 मॉडल। भैया व्हाइट कलर में ग्रैंड आइटम नियोस जी। प्राइस क्या रखा आपने? प्राइस एकदम रिलायबल प्राइस है आपका, 1,25,000 रुपए भी आपके पास है तो वैगन आर ले जाइए, टॉप मॉडल। टॉप मॉडल। अब ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी भैया आते देर होती है, जाते देर नहीं होती। बहुत रेयर गाड़ी है, सही ये बात है। जिसके पास रहती है वो बेचते ही नहीं है। अंदाजा लगा रहे भैया गाड़ी पसंद आ गई, 3.5 के नीचे दिला दो। भैया 3.5 क्या, 2.5 के भी नीचे देंगे? बहुत नीचे देंगे, इतना नीचे देंगे कि जो लोग सेडान खोज रहे हैं वो दौड़ के आए लेके जाए, होगा मात्र 1,75,000 रुपए। 1,75,000 में आप लेकर जा सकते हैं जैन स्टीलो पटना नंबर। 1,20,000 रुपए अगर आपके पास है तो ये गाड़ी को अपना बनाइए। चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज जो वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ उसमें पीछे में आपको स्कॉर्पियो दिख रही होगी, टाटा अल्ट्रोज, और अगर यहाँ देखेंगे तो हुंडई वेन्यू भी दिख रहा है। ये तीनों गाड़ी अगर आप याद करेंगे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था और इस वीडियो में ये आप परचेस नहीं कर सकते। वजह है ये गाड़ियाँ बुक हो चुकी है, ये सोल्ड आउट हो चुकी है, ये डिलीवर होना बस रह गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो से कोई भी गाड़ी को पसंद कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो आप डीलरशिप को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा भाई, क्योंकि जितनी जल्दी इनके पास गाड़ी आती है उतनी ही जल्दी इनके पास से सोल्ड आउट भी होती है। तो अंदर की तीन गाड़ियाँ भाई सोल्ड आउट हो चुकी है, अगर आप भी मिस नहीं करना चाहते उनमें से कोई गाड़ी तो अब देखिए जो आज स्टॉक दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे XUV 300 है और ये W8 तो है लेकिन W8 ऑप्शनल है, इसमें आपको 10 एयर बैग देखने को मिलता है, ऊपर सनरूफ देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ ये देख रहे हैं आप यहाँ पे डॉक्टर की जो भाई एक आती है लोगो वो आपको लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि ये एक डॉक्टर साहब की गाड़ी है और इतनी लेस ड्रिवन है ना कि आपको मज़ा आ जाए कि भैया ऐसी गाड़ी लेकर आते रहिए और हम लेकर जाते रहेंगे। अच्छा याद होगा यहाँ टाटा पंच भी था, वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ हैरियर था वो भी नहीं दिख रहा होगा। तो ये सारी गाड़ियाँ भाई सोल्ड आउट हो चुकी है इनके पास से। तो नया स्टॉक में टाटा टिगोर XM वेरिएंट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रैंड आइटन नियोस, खास और अच्छी बात यह है कि वाइट कलर में है जो आप लोग डिमांड करते हैं। उसके अलावा और भी गाड़ियाँ हैं, और बोर्ड देख लीजिए यहाँ पे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार मैक्स ऑटोमोबाइल है। तो भाई बहुत सारी गाड़ियाँ वापस से स्टॉक में इनकी आ चुकी है। तो आई होप कि आपको आज की भी ये वीडियो, आज की भी ये कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ इस डीलरशिप के बारे में, कि दो चीज़ है भाई कि आपको पूरे ऑल ओवर बिहार ये फिनांस करा देते हैं, कम डाउन पेमेंट अगर आपके पास है तब भी आपको गाड़ी मिल जाएगी, तब भी आप गाड़ी परचेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो भी किलोमीटर ये बताएंगे आपको विद सर्विस रिकॉर्ड उतनी चली हुई आपको ये गाड़ी मिलेगी भाई। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं यहाँ के ऑनर से और फिर पूरे डिटेल में बात करते हैं उनसे। तो भाई फिर चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नया कलेक्शन जो भी आया है कारमैक्स ऑटोमोबाइल में वो आपको दिखाते हैं, लेकिन उन सबसे पहले मिल लेते हैं यहाँ के ऑनर से, मतलब मिलते हैं लाल भैया से। लाल भैया फिर से स्वागत है, कैसे हैं भैया? बस बढ़िया हूँ मेरे भाई, आप कैसे हैं? हमारे भाई लोग कैसे हैं? भाई उम्मीद होंगे कि आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया पिछली वीडियो से भाइयों का कैसा प्यार मिला? बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत अच्छा प्यार मिला। ऑलमोस्ट जो गाड़ी हमने दिखाई थी ज़्यादातर डिलीवर्ड हो चुकी है। बहुत बढ़िया। तो नया क्या कलेक्शन लेकर आए? नया XUV 300 लेकर गया है, W8 ऑप्शनल, सबसे टॉप मॉडल गाड़ी है पेट्रोल वेरिएंट में। अच्छा। और मारुति की कुछ गाड़ी लाए हैं, मारुति का और सब गाड़ी जो लाए हैं हाँ। वो अभी स्क्रैच बन रही है, जैसे कि हैरियर है सबसे टॉप मॉडल। अच्छा, उसका स्क्रैच बन रहा है, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो सब गाड़ी दिखाएंगे। इसमें आपको टाटा टिगोर है, यहाँ पे ग्रैंड आइटन नियोस है, और उससे सबसे पहले भी हम लोग तो दाहिने साइड से स्टार्ट करते, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते, बिल्कुल। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो आज भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। और गाड़ी लेकर तो आए हैं, लेकिन ऐसी गाड़ी लेकर आया है जो दूसरी पीस नहीं होगी। भैया कितनी चली हुई है ये गाड़ी विद सर्विस रिकॉर्ड? मात्र चली है 36,000 किलोमीटर विद ऑल कंपनी सर्विस रिकॉर्ड, विद सर्विस रिकॉर्ड। गाड़ी की दोनों चाबी रहेगी, डॉक्टर साहब MD थे उनकी। अच्छा। गाड़ी है, उनसे हमने लिया है, एकदम जेन्युइन गाड़ी विद ओरिजिनल कंडीशन। हाँ। 1 रुपए का मैकेनिकल कोई काम नहीं है, गाड़ी में 10 एयर बैग है, 2019 की गाड़ी है लास्ट की।
यानी जो एक्सयूवी लॉन्च हुई थी 300, ये उस समय की गाड़ी है। तो जो एक्सयूवी 300 भाई लॉन्च हुई थी वो उस समय की गाड़ी है और ये 19 के आखिरी की गाड़ी है। 19 ठीक है। खास चीज क्या है जो भैया ने बताया कि भाई इस गाड़ी में आपको 10 एयर बैग मिलेंगे, मतलब हर एक पिलर पे, आगे डैशबोर्ड पे, फ्रंट के दोनों सीट पे आपको एयर बैग देखने को मिल जाता है। और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो रखी है, मतलब नई वाली जो ग्रिल आई है भाई, ट्विन पिक लोगो जो आप देखते होंगे महिंद्रा का, वो लगा हुआ है, जो कि और भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नंबर है BR11 पूर्णिया का। गाड़ी है सबसे टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में आपको ड्यूअल टोन के एलॉय देखने को मिल जाते हैं। ऊपर देखेंगे आपको मिलती है सनरूफ। इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ एंड यू विल लव द इंटीरियर, मतलब इतनी अच्छी खासी फीचर आपको मिलती है, रिलायबल एक तो फील होती है भाई ये गाड़ी। अच्छा टॉप एंड मॉडल है, आप यहाँ देखेंगे सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ एयरबैग, वहाँ एयरबैग, उसके बाद काउंट कीजिएगा। इस पिलर पे आप देख पा रहे होंगे, सीट पे भी है, यहाँ भी पिलर पे आपको दिखेगा और बाकी के भी दोनों पिलर पे आपको दिख जाएगा। टोटल 10 एयरबैग आते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाते हैं भाई, माफ़ कीजिएगा, ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल आपको मिलता है। बाकी आप देखेंगे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह भी आपको मिल जाती है। तो भाई ये है XUV 300 की W8 ऑप्शनल वेरिएंट। भैया इसके ऊपर तो कुछ नहीं आता इसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं आता है। सबसे टॉप एंड, सबसे टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। ठीक है भैया, 19 के दिसंबर का 36,000 विद सर्विस रिकॉर्ड चली हुई, कितने की देंगे आप ये गाड़ी हमारे भाइयों के लिए? मात्र 9,75,000 रुपए में। 9,75,000, 9,75,000 रुपए में पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है, सबसे टॉप मॉडल है। 9,75 में 6 लाख से 7 लाख तक लोन हो जाएगा। ठीक है, जो रेस्ट बचेगा वो डाउन पेमेंट। जो प्राइस हमने 9,75 बोला है उसमें केवल गाड़ी नहीं देंगे, उसमें 2 साल इंजन की वारंटी, 2 साल गियर बॉक्स की वारंटी, 2 साल का रोड साइड असिस्टेंस, इंश्योरेंस रहा तो वही इंश्योरेंस मिलेगा और नहीं रहा तो 1 साल का नया इंश्योरेंस गाड़ी की दोनों चाबी के साथ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑन रोड प्राइस होती है, ऐसा नहीं कि आएंगे तो इसके अलावा बाकी एडिशनल चार्ज देने होंगे, नहीं, इतने ही में आपको 2 साल की वारंटी वगैरह सब कुछ मिलेगा। आगे आते हैं टाटा भैया टिगोर। टाटा की टिगोर XM वेरिएंट है, 2020 का BS6 मॉडल है। अच्छा, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, मोतिहारी से रजिस्टर्ड है। इस गाड़ी में भी जो सर्विस हमने बोला है सेम चीज एप्लीकेबल है, क्योंकि 2016 के बाद की गाड़ी रहेगी तो 2 साल इंजन गियर बॉक्स की वारंटी हम लोग देते हैं और उसके पहले पे 1 साल, उससे पहले पे 1 साल। चलिए भाई, तो इस पे आपको 2 साल की इंजन गियर बॉक्स की वारंटी मिल जाएगी। गाड़ी का भैया ने सारा कुछ बता दिया है, सामने है आपके गाड़ी भाई। तो अगर टाटा टिगोर चाहिए, मतलब अगर आप एक सेडान का ढूंढ रहे थे, टाटा की भाई कोई सी भी गाड़ी पे अगर अभी के टाइम पे आप हाथ रखोगे ना तो वो बहुत रिलायबल है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। दिखाना चाहते हैं आपको इसका इंटीरियर कि क्या कुछ मिल जाता है, तो चेक कर सकते हैं भाई, आपको चारों पावर विंडो देखने को मिल जाते हैं। एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, इसमें भाई आपको की इस तरह का मिलता है जो कि अच्छी है भाई, अब इतना तो चाहिए, बेसिक इतना अच्छा रहता है अगर मिलता है तो। उसके साथ साथ एयरबैग मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, कंपनी फिटेड, टाटा टिगोर लिखा हुआ आपको सीट कवर दिख रहा होगा। तो ये है टाटा टिगोर, पूरी डिटेल आपके सामने है। अब रह गया है कि भैया डील कितने में क्लोज करेंगे, भैया क्या आस्किंग है? इस गाड़ी के लिए आपको देना होगा मात्र 6,25,000 रुपए। ठीक है, 6,25,000 रुपए में सारे सर्विसेज के साथ, और इस गाड़ी पे मैं 5 लाख तक लोन करा सकता हूँ अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो। 1,25,000 रुपए डाउन पेमेंट दीजिए, टाटा की टिगोर गाड़ी, सेडान गाड़ी, घर ले जाइए, घर लेकर जाइए। अब लेकर आ गए हैं एक और गाड़ी जो कि है भाई अपनी ग्रैंडाइट नियोस। नियोस ठीक है, ये भी 2020 की BS6 है, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बेतिया से रजिस्टर्ड है, ये गाड़ी चली हुई है 43,000 किलोमीटर। जितनी भी गाड़ी हमने बताया है इसे मैकेनिकल कोई काम नहीं है, मैकेनिकल कोई काम नहीं है, आप तेल भराइए और सीधा गाड़ी को लेकर के जाइए। बहुत बढ़िया। तो आप जो देख रहे हैं भाई अब अपने स्क्रीन पे वो है ग्रैंडाइट नियोस BR22 बेतिया रजिस्ट्रेशन है और ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है। और स्पोर्ट्स वेरिएंट में भाई एक चीज बहुत अच्छा है भाई कि इसमें एलॉय व्हील मिल जाती है भैया। एलॉय व्हील है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, टच स्क्रीन न्यू सिस्टम है, सब पुश बटन स्टार्ट छोड़ के हर चीज है गाड़ी में। बिल्कुल भाई हर चीज है। अच्छा सामने से देख लीजिए, एक चीज मुझे अच्छी लगती है भाई इस चीज में कि इसमें जो फॉग लैंप आता है वो भी प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ देख लीजिए, ये DRL आ जाता है दोस्तों, उसके साथ साथ एलॉय व्हील हमने बात कर ली है, टर्न इंडिकेटर यहाँ आता है। और ये रहा भाई इसका इंटीरियर, तो इंटीरियर आप देख सकते हैं 43,000 किलोमीटर चला हुआ है। और जब यहाँ पे CarMax ऑटोमोबाइल पे आपको दिखा रहे हैं ना, तो जो किलोमीटर है वो आपको एग्जैक्ट जो बताया जा रहा है वही रहेगा। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, आपको AC देखने को मिलती है, सीट कवर वगैरह आप देख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ग्रैंडाइट नियोस में तो इनके स्टॉक में आ चुकी है। अच्छी बात यह है कि वाइट कलर में आया है जो कि आप लोग ढूंढते हैं। तो भैया व्हाइट कलर में ग्रैंडाइट नियोस जी, प्राइस क्या रखा आपने?
प्राइस एकदम रिलायबल प्राइस है, आपका दिल खुश हो जाएगा। इस गाड़ी के लिए आपको देना होगा मात्र 5,99,000 रुपए। 5,99,000 में आपके लाल भैया जो है 4 लाख से 4.5 लाख तक लोन करा देंगे। ठीक है, जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वो आपको डाउन पेमेंट के रूप में देना होगा। इसमें इंजन गियर बॉक्स सब वारंटी के साथ, बिल्कुल ये ऑन रोड प्राइस रहता है भाई। तो भाई ग्रैंड आइटन नियोस के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी की नेक्सा बलेनो। बलेनो का टॉप वेरियंट है जेटा। अच्छा। पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी में, एलोविल है गाड़ी जो है, बहुत कम ड्रिवन है, 43,000 या 45,000 चली हुई है ऑन रिकॉर्ड। अच्छा। गाड़ी में सारा कुछ है आपको, पुश बटन स्टार्ट है, एलोविल है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, एयर बैग है, एबीएस है, ईबीडी है, सारा कुछ है। मतलब आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। ये 30 दिसंबर 2017 का रजिस्ट्रेशन, 30 दिसंबर 2017 का, माने तो 2018 भी मान सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर 30 दिसंबर 2017 आपको मिलेगा। टायर वगैरह की कंडीशन आपको पास जाके दिखाएंगे, लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं इसमें आपको मिल जाता है अलॉय व्हील। टायर की कंडीशन अब आपके सामने है, टर्न इंडिकेटर आ जाता है भाई ओआरवीएम के ऊपर, और ये इसका भाई सामने से कुछ स्टांस इस तरह का इसका दिखता है। इंटीरियर की अब बात कर लेते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ आप लोगों के लिए इसमें अवेलेबल है। तो इसमें आपको मिल जाता है सबसे पहले कीलेस एंट्री, आप ये चेक करो भाई, ये आपको की मिलती है जो कि अच्छी लगती है भाई, थोड़ा सा ना अच्छा लगता है वो चीज़। यहाँ मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम जो कि है कंपनी फिटेड, सीट कवर जो लगे हुए हैं वो ओरिजिनल मारुति सुजुकी के जेन्युइन लगे हुए हैं। तो ये इंटीरियर की बात हो गई, एक्सटीरियर व्यू मैंने आपको दे दिया है और डिटेल भैया ने दिया है। भैया एक चीज़ रह गया, वो है कि कितने रकम लगेंगे इसके लिए। इसके लिए भी आपको बहुत रिजनेबल प्राइस देना होगा। ये गाड़ी आपको हम दे देंगे 6,20,000 रुपये में, टॉप मॉडल बलेनो। टॉप मॉडल बलेनो 6,20,000 में, और अगर उतने नहीं होंगे तो 5 लाख तक लोन करा देंगे। 1,20,000 रुपये अगर आपके पास है तो ये गाड़ी को अपना बनाइए। चलिए भाई, तो 1,20,000 में भी बलेनो मिलेगा, डाउन पेमेंट प्राइस होगा, वो चीज़ याद रखिएगा। बलेनो आपने देख लिया है, लेकिन जो अगली गाड़ी है वो देखने लायक है, इसलिए क्योंकि इस बजट में सेडान क्या एक छोटी गाड़ी भी नहीं मिलती है भैया। नहीं मिलती, जिस बजट में हम लोग सेडान देंगे, जिस बजट में आपको सेडान दे रहे हैं, आपका पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज कीजिए। आपको भाड़े पे चलाना है, एकदम आंख बंद करके गाड़ी लीजिए। डीजल वेरिएंट गाड़ी है, 20+ का माइलेज देता है, 20 के ऊपर का माइलेज देता है जी। 2014 का रजिस्ट्रेशन है, अक्टूबर या नवंबर का, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, पटना नंबर है। अच्छा। मैकेनिकल कोई काम नहीं है, गाड़ी लीजिए, यूज कीजिए, बिल्कुल। और किलोमीटर कितना चला है? 55,000 किलोमीटर चली हुई है। 55,000 किलोमीटर चली हुई, आप देख रहे हैं टाटा इंडिगो सेडान कार है, बहुत अच्छा प्राइस आएगा। उसके लिए थोड़ा एक मिनट रुक जाइए, आपको गाड़ी पहले दिखा देते हैं। ये देखिए, इस साइड से भी आप गाड़ी का व्यू ले लिए। टायर भी भाई अभी ठीक है, टायर चेंज कराने की जरूरत नहीं है, टर्न इंडिकेटर यहाँ आता है। और रही बात अगर इसके इंटीरियर की, तो आपको दिखा देते हैं, ये बेस मॉडल नहीं है, ये उस टाइम की सबसे टॉप मॉडल है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसमें आपको मिल जाता है टाटा का म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड, और उसमें भी ब्लूटूथ मिल रही है भाई। नीचे चारों पांच विंडो का सेट, सीट कवर लगे हैं, स्टेयरिंग कवर लगे हैं। अब इतना सारा कुछ आपने देख लिया, अंदाजा लगा रहे होंगे भैया गाड़ी पसंद आ गई, 3.5 के नीचे दिला दो भैया, 3.5 क्या 2.5 के भी नीचे देंगे, बहुत नीचे देंगे, इतना नीचे देंगे कि जो लोग सेडान खोज रहे हैं वो दौड़ के आए लेके जाएं। फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाली बात होगी। हाँ। ये गाड़ी 2014 का रजिस्ट्रेशन है, मात्र 2,25,000 रुपए में, 2,25,000 रुपए में लेकर चले जाना। अब आगे आते हैं हुंडई की एक्सेंट, लेस ड्रिवन है भैया ये तो, ये बहुत लेस ड्रिवन है, 25,000 या 26,000 किलोमीटर चली हुई है, क्या बात है। सेकेंड ओनर गाड़ी है, चूंकि फादर के नाम पे थी, फादर कोरोना में एक्सपायर हो गए तो बेटे के नाम पे ट्रांसफर हुई है गाड़ी। पटना का रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी चली हुई है 25,000 से 26,000 किलोमीटर, आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। चलिए भाई, 18 मॉडल आप देख रहे हैं हुंडई एक्सेंट जो कि है भाई आपका पटना रजिस्ट्रेशन, व्हाइट कलर में। खास क्या चीज़ बनाती है, मेरे वीडियोस से अगर वाकिफ होंगे तो आप जान रहे हैं कि भाई गाड़ी चली हुई है मात्र और मात्र 25-26,000 किलोमीटर, और ये कार मैक्स पे लगी है। तो भाई ऐसा नहीं कि 25-26 बोला 42-43, नहीं, आपको जो बता रहे एग्जैक्ट वही मिलेगा। टायर की कंडीशन आपके सामने है, रही बात अगर इसके इंटीरियर की, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ मिल जाता है। चलिए बात करते हैं एक एक करके। तो आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है कंपनी फिटेड जो कि अच्छी बात है। नीचे आप देखेंगे एसी कंट्रोल, सीट कवर लगे हुए हैं, और अगेन भाई अच्छी सीट कवर इसमें आपको लगी हुई मिल जाएगी। चारों पावर विंडो भी आ जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब 25-26 हज़ार चली हुई एक सेडान कार कितने की भैया दे रहे हैं चढ़ने के लिए? इस गाड़ी के लिए आपको देना होगा मात्र 5,60,000 रुपए। अच्छा, 5,60,000 में आपको ये गाड़ी विद ऑल सर्विस रिकॉर्ड के साथ मिलेगी, उसके साथ साथ जो सर्विस हमने बोला है वो मिलेगी, बहुत गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफर करके मिलेगी। ठीक है भैया, हुंडई की एक्सेंट के बाद अब हुंडई i10।
हुंडई i10 टॉप मॉडल जी स्पोर्ट्स 2013 का रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, पट्टा नंबर है, चली हुई है 40,000 या 45,000 किलोमीटर। वो मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल वो किलोमीटर देख के आपको बता देंगे। ये चली हुई है 46,800 किलोमीटर, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, पटना नंबर है। इस पे हम प्रयास करेंगे कि 1.5 लाख तक लोन करा दे, इस पे भी 1.5 लाख तक लोन करा देंगे। आप एक बार ओवरव्यू कर लो। बहुत बढ़िया, तो आप देख रहे हैं ग्रे शेड पे ये हुंडई i10 है जो कि पटना रजिस्टर्ड है, टॉप एंड मॉडल है भाई। यहीं पे आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर ORVM के ऊपर में। इंटीरियर की अगर बात करें भाई, आप देख लीजिए चारों पावर विंडो आपको मिल जाएगा, विजन सिस्टम कंपनी फिटेड मिल जाती है। कुल मिला के ये सब गाड़ी मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। अगर आपको रिफाइन इंजन चाहिए कि भाई 13-14 मॉडल गाड़ी हो, इंजन अच्छा मिले, छोटा बजट हो आपका, तो लेकर जाइए ना भाई। भैया अभी प्राइस बता देंगे, भैया क्या रेट रखा आपने? 2,51,000 लाल भैया को दीजिएगा, ये गाड़ी 2013 मॉडल ले जाइएगा। 2,51,000 रुपये में 1.5 लाख तक का हम प्रयास करेंगे लोन कराने का। 1 लाख रुपये जो है आप अपने पास रखिए। बिल्कुल 1 लाख रुपये की i10 आपको मिलेगी लोन करा के, तो वो चीज़ हमने आपको दिखा दिया है। तो आगे की गाड़ी आपने देख ली है, अंदर की गाड़ियाँ तो भैया बुक ही है सर, अंदर की गाड़ी बुक है। बिल्कुल, अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे मारुति का कुछ कलेक्शन, जहाँ पे जैन स्टीलो, वैगनर और ऑल्टो K10। कहाँ से दिखा दिया? जैन स्टीलो। ठीक है, बात करते हैं इसकी। 2011 की सेकेंड ओनर गाड़ी है, पटना नंबर है, मैकेनिकल अच्छा। कोई काम नहीं है। ये गाड़ी में आपको इंश्योरेंस मिलेगा, पॉल्यूशन मिलेगा, ट्रांसफर मिलेगा, दोनों चाबी मिलेगी। एक बार आप ओवरव्यू कर लीजिए, फिर मैं रेट बताता हूँ। बिल्कुल, तो भाई आप गाड़ी देख लीजिए, गाड़ी का ये फ्रंट लुक है आपके सामने, तो ये आपने देख लिया पटना रजिस्टर्ड, भैया ने बता दिया है। इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी आपको बहुत ही छोटे बजट में मिल जाएगा। जिनका बजट बहुत ही कम रहता है, 2 लाख के अंदर अंदर अगर रहता है ना भाई, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपके लिए सारी तरह की कंडीशन की, सारे मॉडल की गाड़ी आपको मिलती है, हर एक बजट की गाड़ी मिल जाती है। तो जैन स्टीलो, पटना नंबर जी, 2011 मॉडल। इस गाड़ी के लिए आपको देना होगा मात्र 1,75,000 रुपए। 1,75,000 में आप लेकर जा सकते हैं जैन स्टीलो, पटना नंबर। जैन स्टीलो के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वैगनआर। ये 2014 का मॉडल है, स्टेट बैंक के मैनेजर थे, स्टेट बैंक के मैनेजर का, हाँ, उनका शायद लोगो लगा हुआ है इधर, देख लीजिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, पीछे भी लोगो है। तो उनसे हमने लिया है, 2014 लास्ट का वेरिएंट है, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। आगे के बम्पर में स्क्रैच है, पीछे के बम्पर में स्क्रैच है, तो आपके लाल भैया आगे का बम्पर ही बदल देंगे, मैंने मंगवा लिया है, पीछे का भी बम्पर बदल देंगे, वो भी हमने ले लिया है। और ये गाड़ी के एक बार आप ओवरव्यू कर लीजिए, इसमें भी हम 2 लाख रुपए तक लोन करा देंगे। कितनी है भैया ये चली हुई? 37,000 किलोमीटर, 37 जी, जेन्यून ऑन रिकॉर्ड 37,000 चली हुई है। तो ऐसी ऐसी गाड़ी मुझे लगता है बहुत ही भाग्य से ही मिलती है भाई, कि 14 की गाड़ी हो, और 2014 की गाड़ी हो भाई, और चली कितनी है? 37,000 किलोमीटर, दैट टू विथ ऑल कंपनी सर्विस रिकॉर्ड। और ये इसका इंटीरियर है, और मैं आपको बता दूं कि ये टॉप एंड मॉडल है। आप देखेंगे सीट कवर लगा हुआ है, चारों पावर विंडो मिल जाता है, इवन मिरर को भी आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। बैंक मैनेजर की गाड़ी आपको दिखा रहे हैं, लेना चाहते हैं। अब लाल भैया से पूछते हैं क्या प्राइस में दे देंगे आपको इस गाड़ी पे? आपको इंश्योरेंस मिलेगा, पॉल्यूशन मिलेगा, गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर करके मिलेगा, ठीक है, 1 साल की इंजन गियर बॉक्स की वारंटी मिलेगी महिंद्रा से। ये गाड़ी आपको दे देंगे मात्र 3,25,000 रुपए, 3 लाख में 2 लाख रुपए तक लोन करा देंगे। 1,25,000 रुपए भी आपके पास है, तो वैगनआर ले जाइए, टॉप मॉडल। अब ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी भैया आते देर होती है, जाते देर नहीं होती, बहुत रेयर गाड़ी है, सही बात है। जिसके पास रहती है वो बेचते ही नहीं है, बोलते जीरो मेंटेनेंस गाड़ी है, 18+20 का माइलेज देता है, मैं क्यों बेचूं? वो भी पेट्रोल में। बिल्कुल, ये K10 हो गया 2017 मॉडल, अच्छा, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, मुजफ्फरपुर का लोकल नंबर है, गाड़ी चली हुई है 39,000 या 49,000 किलोमीटर, 39,000 या 49,000 किलोमीटर चली हुई है, गाड़ी है, मैकेनिकल कोई काम नहीं है, आपके लाल भैया इस पे 2.5 लाख तक लोन करा देंगे, 2.5 लाख तक करा देंगे लोन। डाउन पेमेंट भी बताएंगे, कितने में मिलेगी वो भी बताएंगे, पहले आप गाड़ी का पूरा प्रोफाइल देख लीजिए। अगर आप K10 लेना चाहते हैं, और K10 में ये LXi नहीं VXi टॉप मॉडल आपको दिखा रहे हैं। टायर अगर आप देखेंगे तो भाई ये आपको मिल जाता है नया ही। इंटीरियर की बात कर लेते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो देख लीजिए भाई, ये इसका इंटीरियर का व्यू आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह का। तो ये आपने देख लिया इसका इंटीरियर। आज की भैया आखिरी गाड़ी है ये? आज की आखिरी गाड़ी नहीं, एक और ईऑन है, वो दिखा देता हूँ, चलिए वो भी दिखाएंगे, पहले इसकी बताइए भैया। ये 2017 मॉडल है, इस पे 2 साल इंजन की वारंटी मिलेगी, 2 साल गियर बॉक्स की वारंटी मिलेगी, दोनों चाबी मिलेगी, और जो मैं बोलता हूँ सारी सर्विस मिलेगी। ये गाड़ी के लिए आपको देना होगा मात्र 3,25,000 रुपए, 3,25,000 में आप लेकर जा सकते हैं ऑल्टो K10। अब भैया आपने बोला कि एक ईऑन है अपने पास, एक
ईऑन अपने पास है वो दिखा देता हूँ। 2012 मॉडल, 2012 की हुंडई ईऑन सिल्वर कलर में। अभी अपने पास सिल्वर कलर है, मुजफ्फरपुर का लोकल नंबर है। गाड़ी चली हुई है 45,000 या 50,000 किलोमीटर। एग्जैक्ट किलोमीटर तो हमको भी नहीं पता, अभी देख लेते हैं। चलिए भाई एग्जैक्ट किलोमीटर वो बता देंगे, उससे पहले आप नंबर देख लीजिए, BR06 मुजफ्फरपुर रजिस्ट्रेशन है। और अगर इसके इंटीरियर की भी बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलता है। दो पावर विंडो है, म्यूजिक सिस्टम सोनी का मिल जाता है, और यहाँ पे सीट वगैरह की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो इंटीरियर आपने देख लिया है, किलोमीटर भी क्या बता रहे थे आप? 45,000 से 50,000 के बीच चली हुई है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, मुजफ्फरपुर का लोकल नंबर है। ये गाड़ी आपको दे देंगे 1,99,000 में। चलिए 1,99,000 की या तो ये ले जाओ, नहीं तो 1,75,000 की, 1,75,000 की बजट है, तब भी आ जाइए, एकदम आ जाइए। लाल भैया को भूलिए नहीं, एकदम आइए, आपको बहुत अच्छा सेवा का ये मिलेगा। आप आइए मुजफ्फरपुर भगवानपुर चौक मेरे भाई, वहाँ से लेफ्ट लीजिए रेवा रोड पे, जिसको लोग छपरा वाला रोड कहता है। ये भगवानपुर से आप आ रहे हैं, ये छपरा जा रहे हैं, ठीक है। ये बगल में हो गया पता ही एयरपोर्ट की बाउंड्री। अच्छा। और ये बगल में आपके अपने लाल भैया हो गया महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कारमैक्स ऑटोमोबाइल। शोरूम हर दिन खुला रहता है, एकदम हर दिन खुला रहता है, 10 से 6 हर दिन शोरूम खुला रहता है। इसके अलावा भी इनके पास गाड़ियां स्टॉक में आती रहती है, तो अगर आप लेना चाहते हैं इनमें से कोई भी गाड़ी है, या फिर इसके अलावा भी कोई गाड़ी की इंक्वायरी होगी, तो आप इन्हें रीच आउट कर लेना। क्योंकि भाई इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके पास स्टॉक में गाड़ियाँ आते जाते रहती हैं, तो बात कर लीजिएगा। बात करने के लिए जो नंबर चाहिए वो स्क्रीन पे मैंने दे दिया। और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को भाई आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे।